नमस्कार मित्रों, मैं हूं रुपेश देवांगन और अपने चैनल पर आज नया वीडियो बनाने जा रहा हूं जो फोर टार्ट वाली होगी और बिना बेल्ट की होगी। इसमें बेल्ट नहीं लगेगी, सादा ब्लाउज है। 14 इंच इसकी लंबाई है, 35 इंच इसका अपर चेस्ट है, 36 इंच इसका ये है हाई बस्ट, 31 इंच इसका कमर है और 6 इंच इसका अस्तिन का लेंथ है। 12 इंच इसकी मोरी है अस्तिन की और 6 इंच सामने से गला खुल रही है, पीछे से गला 9 इंच खुल रही है। 14.5 इंच इसका शोल्डर है और 16 इंच इसका आर्म होल है, 9.5 इंच बस्ट पॉइंट है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो विक्रम राजपूत जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था। पिछले 4-5 दिनों से उन्होंने रिक्वेस्ट किया और नहीं बता पाने पर उन्होंने क्या कहा कि सर मैं गरीब आदमी हूँ इसलिए मेरा ध्यान नहीं देते, मेरा बतिन कटिंग नहीं बता रहे हो। ऐसी बात नहीं होता विक्रम राजपूत जी, हमें हर किसी का सम्मान होता है कि हर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करें, लेकिन मेरे पास पर 15 से 20 प्रॉब्लम्स आते हैं। हर कोई यही कहता है मुझे शादी के लिए ड्रेस बनानी है, कोई किसी के लिए ड्रेस बनानी है, प्लीज़ सर बताओ। तो भाई इस प्रकार से पूरे देश भर का हम ये नहीं कर पाते, समय रहता। दूसरी बात, मैं अपनी दुकान भी बंद कर चुका हूँ लेकिन फिर भी मेरे ग्राहक जो है, मैं पिछले 4-5, 7-8, 10 सालों से कर रहा था, उन ग्राहकों का भी मुझ पर बड़ा ये रहे प्रेशर है कि प्लीज़ कपड़ा बनाओ। इसके वजह से मैं बहुत सारे काम चाह कर भी नहीं कर पा रहा हूँ। रोज़ तो 2 वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ लेकिन 2 वीडियो बन नहीं पाते, तो उसके लिए सॉरी। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। बारी बारी से सबकी बारी आएगी, मगर इस प्रकार से इमीडिएटली इसको ये मत कीजिएगा, मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर आएंगे उसमें, क्योंकि आप मेजरमेंट एक बॉडी से मेजरमेंट अपने कस्टमर का मेजरमेंट भेजते हैं, तो इस प्रकार से देश भर से कितने सारे मेजरमेंट आ जाएंगे बताइए। तो एक इस सिस्टम को फॉलो करो और दूसरे में उस मेथड को लागू करो, है ना। इस तरह से अलग अलग मेजरमेंट भेजकर आप नहीं सीख पाएंगे आप। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसका स्लीव काटता हूँ, अस्तिन काटता हूँ। देखिए खुले गले का स्लीव इस प्रकार से काटें, ये तुरपाई के लिए मैंने 1.25 इंच करीब की, 1.5 इंच करीब की मैंने लाइन खींच ली है और 6 इंच इसके अस्तिन की लंबाई है तो 6.5 ये लगभग, ये जब लंबी अस्तिन हो तो इसको 3.5 करीब इसको रख सकते हैं आप, इसका ये मुंडे के लिए जो अस्तिन खांच आती है वो। अब इसके बाद यहाँ पर दोनों लाइन को आप खींच लेंगे ये इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, ये लगभग यहाँ पर इसका 12वां हिस्सा होता है, 36 या 35 का 12वां हिस्सा ऐसा कुछ होता है, तो 12वां हिस्सा करीब ये होगा कि ये 3 के करीब इसका 12वां हिस्सा आता है। तो 3 इंच पर हम इसको ये करते हैं, लाइन करते हैं। अब उसके बाद यहाँ से आर्म हो 16 इंच है तो ये 16 इंच, यहाँ पर थोड़ा 0.25 इंच कम भी कर सकते हो क्योंकि राउंड होकर जाती है तो ये कम ऑलरेडी आ जाती है, तो उसको हम थोड़ा 16 इंच है तो उसका 0.25 इंच मतलब 7.5 इंच में 0.25 काट रहे हैं तो भी चल जाता है, फिटिंग अच्छी आती है। और ये क्या बोलते हैं 12 इंच इसकी ये है मोरी है अस्तिन की, तो इस प्रकार से ये करेंगे। अब इसको ऐसे खींचें, इसको आप इस प्रकार से मिला दें। अब इसको काटने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, इसको आप इस राउंड को यहाँ से अंदर लेंगे ऐसे और इसको आप ऐसे मिला दीजिए। ये क्या होता है, इस प्रकार से काटने से जो अस्तिन में खिंचाव या फिर ये आता है तान नहीं पड़ता, जिसको फिटिंग यहाँ नहीं, यहाँ पर यहाँ गड़ने लगता है, चुभने लगता है यहाँ पर दाब की वजह से। इस चीज़ को ये हो गया, बिल्कुल इजी कटिंग करें इस प्रकार से। और ये हम यहाँ पर भी जो टक्स बिल्कुल लगाते चलें और इसको हम खुला करेंगे। उसके बाद यहीं से देखिए ये इस प्रकार से है और ये इस प्रकार से। चलिए अब इसके लिए एक छोटा सा यंत्र बनाते हैं, ये इसमें क्या बोलते हैं 4 इंच हम इसमें, ये लगभग 7 इंच है इसकी लंबाई
और ये 4 इंच पर हम इसको 4 इंच क्यों 3.5 पर करते हैं, आ जाएगा ये 3.5 पर इसको लगाते हैं निशान। ये 7 इंच है, 3.5 पर इसको निशान लगाया, बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेंगे इसमें। अब उसके बाद 2 इंच नीचे की तरफ, 2 इंच नीचे की तरफ ये है, जी। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, 1/4 इंच, 1/4 इंच बोलते हैं इसको। अब देखो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोले जाते हैं, लेकिन 1 इंच में 2 पॉइंट अधिक, 1 इंच में 2 दोरा अधिक, ये हमने एक डॉट बनाया। ओके, अब यहां पर क्या करेंगे, मैं यहां पर कोई हिस्सेदारी नहीं, इसको ये होता है करीब हाई चेस्ट का 13वां हिस्सा लगभग होता है। तो 13वां हिस्सा क्या होगा, इसमें हाई चेस्ट का 13वां हिस्सा होता है 2.75 इंच लगभग, मतलब ये उसके आसपास रहता है। अब एग्जैक्ट उसको निकाल सकते हैं हाई बस्ट का। अब उसके बाद यहाँ से हम इस लाइन को, इसी लाइन पर हम इस पर जिस प्रकार से ये चौकोना हिस्सा रखकर इसको ये करते हैं, ये खींच लेंगे, ये हो गया। अब इसको इसी लाइन पर देखें, इसको जैसे ये हम मोड़ते हैं इस प्रकार से, ये मोड़ दिए तो हमें एक लाइन प्राप्त होता है, ये वाली, ये वाली हमने लाइन ये कर दिया इस प्रकार से। इसको बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि इसको बना लेने के बाद आपके पास एक डाउट नहीं रहता कि कहां पर हम इसको लगाएंगे। अब देखिए ये है 2.75, लेकिन इधर 1 पॉइंट और बढ़ा देंगे, मतलब ये 3 इंच में 1 पॉइंट कम हो जाएगा, इस प्रकार से ये होगा। इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 2.75 इंच, लेकिन यहाँ तक की दूरी है ये 3 में माइनस करते हैं 1 पॉइंट, 1 पॉइंट इसमें माइनस कर रहे हैं, मतलब ये से इसके तुलना में ये 1 पॉइंट अधिक है। अगर नहीं भी करोगे अधिक तो भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इस प्रकार से हम एक यंत्र निर्मित कर लेंगे, ये हमारा एक यंत्र निर्मित कर लेते हैं, हो गया। अब नीचे में तो आप यहाँ पर सिलाई के लिए एक 1/2 इंच का, ये तो फिक्स लाइन यहीं पे सिलाई लगेगी, यहाँ पर 1/2 इंच का एक सिलाई के लिए हम ये करेंगे। उसके बाद इस चीज़ को हम काट लेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से काट लेंगे, और इसको भी आप काट, इसमें भी सिलाई के लिए लगेगा, लेकिन मैं सिलाई के लिए भी यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ, बाद में लगाऊंगा इसको। इसको फिलहाल क्योंकि 4 टक्स है, कटोरी के लिए यंत्र नहीं बना रहा हूँ, ये 4 टक्स के लिए है। इस प्रकार से हो जाने के बाद इसको भी चाहे तो आप काट सकते हैं, लेकिन मत काटिए। अब हम इसको पेपर में चलते हैं, ओके। इसको याद रखिए 2.75 इंच, एक लाइन हम यहाँ पर 2.75 इंच पर एक लाइन और यहाँ पर खींच देंगे इस प्रकार से सीधे, मतलब 2.75 पर एक हम लाइन यहाँ पर और खींच रहे हैं। ये देखिए ये यहाँ हमें सामने पल्ले में इसको रखेंगे तो काम आएगी ये लाइन, ठीक है। इस प्रकार से रखेगी, रखने का एक ये बन जाता है। अब चलिए काटते हैं पीछे का पल्ला। 14 इंच इसकी लंबाई है, तो 14 में हम 1 इंच ऐड करते हैं सिलाई के लिए, विथ है ना, विथ सिलाई के लिए कह गए हैं। तो अब इसके बाद ये 5.5 इंच पर इसका हम आर्म होल के लिए एक अनुमानित नाप लेते हैं, और ये 14, ये 15 और 15.5, इस प्रकार से। अब इसको हम लाइन को मिला लेंगे बिल्कुल सीधी, इस प्रकार से मिला लें। 9 इंच पीछे से गला खुली है इनकी, 9 इंच खुली है पीछे से गला, ये 9 और ये सिलाई के लिए हम करते हैं 9.5 पर खुलती है, तो जितना इसका पर चेस्ट है उससे 1/4 इंच अधिक, तो 9.25 इंच का, मतलब 35 इंच है, मतलब 9.25 इंच का अपर चेस्ट आता है, तो इसको 1/4 इंच बढ़ाएंगे तो 9 इंच। अब ये मत कहना कि ये हाई बस्ट और इसको बराबर रख दे तो चलेगा, नहीं भैया, ये अपर चेस्ट के हिसाब से कह रहा हूँ। कभी कभी 2 इंच का डिस्टेंस रहता है, कभी कभी 3 इंच का डिस्टेंस रहता है, और कभी कभी डिस्टेंस ही नहीं रहता, 36 नीचे भी 36 ऊपर भी रहता है। इसलिए ये दोनों मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम ब्लाउज में फुलान नहीं आएगा इससे, ठीक है। फुलान आने का बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम यहीं पर रहता है, किन्हीं किन्हीं में बहुत डिफरेंस रहता है इसकी वजह से। अब मैंने अपर चेस्ट से 1/4 इंच बढ़ा दिया है चौथाई में, तो 9 इंच पर खींचा। अब 9 इंच की जब गला खुलती है,
तो ये 7.5, तो 7.5 में लगभग ये 2.25 कम कर सकते हैं आप, 2.25 कम कर दो, 1.5 कम कर दो, ये उतना मैटर नहीं करता है कि इससे ज़्यादा सोल्डर। लेकिन मैंने अभी तक के जितने भी ब्लाउज बनाने हैं, 9 जब गला खुलती तो मैं 1.25 पर कर देता हूँ, सही आता है। एक बात, यहाँ इस काम में कोई ऐसा निश्चित मेथड नहीं है कि आप इसको करेंगे तो ऐसा ही परफेक्ट ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता। इसमें कुछ हर चीज़ एक समथिंग में चलता है कि लगभग आसपास इसे किया जाता है करके। लेकिन आप ऐसा पूछो कि सर ऐसा ही होना चाहिए करके, ये पॉसिबल नहीं है। ये कुछ कुछ चीज़ें हमें अपने हिसाब से करनी होती है। तो यहाँ पर हम 2.75, यहाँ से चौड़ाई हम सोल्डर की 2.75 ले रहे हैं। ओके, अब इसको हम लाइन को बिल्कुल सीधा ही खींचेंगे, क्योंकि 9 इंच जब गला खुलती ना अंदर करें, इसको अंदर करें ना बाहर करें, बिल्कुल सीधा खींचेंगे। और थोड़ा सा इधर भी हम डाउन कर देंगे, ये थोड़ा डाउन कर दें। डाउन करने से यहाँ पर भी फुला, यहाँ पर पाइपिंग लब लगाते हैं, खींच कर लगाते हैं तो सिकुड़ जाता है, इसको भी बराबर करता है। ओके, अब इसके बाद 31 इंच इसका ये है, तो हम 31 इंच है मतलब 7.25 इंच 31 होता है, और 1 इंच हम डांट के लिए लगाते हैं। तो इस प्रकार से मार्किंग करने के बाद ये एक लाइन हमारे पास ये आ गई, और इसको मार्जिन लगभग 1.5 इंच की मार्जिन लगाते हैं। 1.5 इंच स्केल मेरा लगभग 1.5 इंच से है, तो मुझे समझ आ जाता है ये। अब उसके बाद इसका आर्म होल अब नाप लेंगे बिल्कुल सही तरीके से, ये हम आर्म होल नापते हैं इस प्रकार से, राउंड करेंगे और नापिए इस आर्म होल को। ये बिल्कुल 16 इंच आ रहा है, 8 का बिल्कुल परफेक्टली आएगा ये 16 इंच में। अब इसको हम काट लेते हैं, ये मैंने यहाँ पर बिल्कुल बीच में रखकर डांट भी लगा लिया है, और यहाँ से कभी ये डाउन कर लेते हैं, लगभग 0.5 इंच हम इधर काट लेते हैं, खांच लेते हैं इसको, इस प्रकार से होता है ये। अब यहाँ पर आप क्या करें, छोटा सा एक मार्क करें, ये हमारे जो चौथा डांट लगता है ना शोल्डर के पास, उसमें काम आता है। यहाँ पर बिल्कुल ये बीचों बीच लगभग आता है, यहाँ पर आप खांच लेंगे इस प्रकार से। ओके, अब सामने का पल्ला, सामने पल्ला काटने के लिए थोड़ा बड़ा पेपर लेंगे, और ये बिना बेल्ट की ब्लाउज है, थोड़ा बड़ी कपड़े चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इधर लगभग स्केल आता है, आप अब स्केल से अंदाजा कर सकते हैं। मैं 1.5 इंच पहले यहाँ से एक समान पर लाइन खींच रहा हूँ, ये इसको आगे छुड़ा लें, क्योंकि आगे जब हम फरमा रखेंगे तो उसका ये होगा। अब यहाँ से हम जितना अपर चेस्ट है, अपर चेस्ट 35 इंच है, तो मतलब 7.5 पर 35 इंच होता है, और 7.5 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, 7.5 इधर भी हम 7.5 पर लगा देंगे निशान, ये 7.5 इस प्रकार से। अब इसको भी बिल्कुल सीध में देख लें, 2 लाइन बिल्कुल, ये हम 1.5 इंच करके खींचे हैं, हमें खींचे हैं। अब यहां से 2 इंच कम, 6 इंच गला खुल रही है, 2 इंच कम किसमें, शोल्डर के आधे में, 14.5 इंच शोल्डर है तो उसका आधा होता है 7.75 पर हमें 2 इंच कम कर दिए। और यहां से इसकी हम क्या निकाल लेंगे, ये हो गया उसका क्या बोलते हैं आपके शोल्डर की चौड़ाई, ये इस प्रकार से। अब देखिए इसको पीछे पल्ले को, पहले आप यहाँ पर जो निशान है इसका जो है यहाँ पर पहले लगाओ, इस प्रकार से मैंने इसको इजी बनाया है, थोड़ा ध्यान दीजिए। इस तरह के ट्रिक्स मैंने बहुत सारे ट्रिक्स ईजाद कर दिए हैं आपको आसानी हो इसलिए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सेम आप पीछे पल्ले में ध्यान देंगे, मैंने इस टक्स लगाने के लिए बोला था, ठीक है। मुझे पता है कुछ लोग स्किप कर करके देखते हैं वीडियो को, उनको समझ नहीं आता, जो रेगुलर जिनको सीखना है बिल्कुल ध्यान से हर चीज़ बारीकी से देखें, बहुत सारे लोग बहुत स्किप कर करके देखते हैं वीडियो को, आप फिर बाद में पूछते हैं ऐसे को यहाँ से क्या आ गया करके, तो स्किप करके ना देखिए वीडियो को जिसको सीखना है। तो अब ये देखो हमारे पास ये लाइन आ गई ना, यहाँ पर जो आर्म होल का लाइन है। अब क्या करें, देखो यहाँ पर हमें इस लाइन को लाना है, तो ये देखो हमारा पॉइंट है जो टक्स है उसको ये करके 0.5 इंच इसको ऐसे नीचे खसका देंगे, ये इस प्रकार से। और लेकिन ध्यान ये रखो कि इसको आपको इस सामने का पल्ला सीधा ही रहेगा ना, देखो सामने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, उस ऐसा घुमा मत देंगे नहीं तो आपका पूरा डांट अलग जगह चला जाएगा, तो इसको सीधा ही रखेंगे आप इस प्रकार से, ये
ये आधा इंच उतारिए, ज़्यादा मत उतारिए, आधा इंच बिल्कुल। तो इसके बाद एक मार्किंग और करेंगे, इस प्रकार से मार्किंग आती है ये हमारी मार्जिन हो जाएगी। अब ये हमारी, अब देखिए इसको हटाएंगे तो एक दो जगह पर हमारे पास डांट के लिए ऑलरेडी निशान आ जाता है। चौथा डांट हमें कहाँ से लगाएं इसका प्रश्न यहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन अभी आप उसको कुछ मत करिए, चुपचाप इसको रख दीजिए। इसका बस्ट पॉइंट है 9.5 इंच, और सिलाई के लिए एट करते हैं तो 10 इंच पर इसका बस्ट पॉइंट पर निशान लगाते हैं। 10 इंच पर इसका बस्ट पॉइंट पर निशान लगाया, ये 10 इंच पर लगाया, और इसको हम सीधा खींच लेंगे। ये बिल्कुल ये सीधा, ये 10 इंच पर लगा है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। अब देखिए मैंने फर्मा बनाया था तो ये लाइन भी खिंचवाई थी ना, इसी लाइन पर इसको मिलाकर देखो ये लाइन मिलनी चाहिए और ये लाइन मिलनी चाहिए। हमने इस फर्म यंत्र को रख दिया, ये देखिए ये यंत्र को रख दिया हमने इस प्रकार से दोनों लाइन मिलाकर। अब तो सबसे पहले अव्वल तो आप काम ये करो कि यहाँ पर एक निशान, और इस लाइन को थोड़ा सीधे ही लगा लो इस प्रकार से, इस लाइन को सीधे खींच लो ताकि हमें बाद में हमारी इसकी आवश्यकता होगी। अब देखिए इस यंत्र में थोड़ा सा कलाकारी करनी है अपने आप को। मेरे साथ साथ मेरा ताला भी फेमस हो गया है यूट्यूब पे, सब कहते हैं सर अपना ताला लेकर आओ, क्लास ज्वाइन किया तो दबल नहीं इस प्रकार से। ये 6 इंच गला खुली है तो 6.5 इंच पर हमने इसको ऐसे ये किया है ना, 6.5 इंच पर 6 इंच गला खुली, सामने से इसके राउंड को हम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये है तो देखिए यहाँ पर ये मिल रही है यहाँ से, और इस पॉइंट से जो आया है हमारे पास तैयार, इस पॉइंट से इसको सीधा मिला देंगे, इसको इसे सीधा मिलाएंगे ऐसे, और उसके बाद आधा इंच सिलाई के लिए ये इस प्रकार से। ओके हमने इस प्रकार से मिला लिया। अब इसको कैंची से काटते हैं, बिल्कुल आराम से बता रहा हूं, बिल्कुल आप देखिए इसको। ओके ये हो गया। अब इसके बाद इस लाइन को हम ऐसे खींचते हैं, और कहाँ तक खींचेंगे, यहाँ तक, जो तिरछी लाइन आ रही है ये यहाँ तक, बिल्कुल यहीं तक मिलाएंगे, एक निशान आ गया। अब देखिए इसको घुमाना है हमें, कितना घुमाना है, ये हमारा जो पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट ये यहीं पर रहेगा, ये लाइन है ये घूम कर ये यहीं पर है, लेकिन ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। अब ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ओके अब सीधी हो गई, इसको अगर हम पूरा खींचेंगे इस प्रकार से, पूरा खींचेंगे तो दिखेगा ये, तो ये इस प्रकार से पहले रखे थे, अब इसको हम घुमाकर हमने ऐसे घुमा दिया तो ये यहाँ पर आ गया। अब देखिए ये टक्स, अब देख इसको आगे करते हैं ऐसे और ऐसे, अब ये टक्स भी हमारा छोटा हो गया। ओके इस प्रकार से है। अब इसको हम हटा देते हैं और ऐसे खींचते हैं, ये इसमें सिलाई एड है, ये सिलाई की लाइन एड है ना, इसमें बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे। अब हमें बिना बेल्ट वाली ब्लाउज बनानी है, मतलब बेल्ट नहीं लगेगा तो क्या करेंगे आप, यहीं से ये लाइन जहाँ यहाँ पर हो रही ना, यहीं से बिल्कुल हम सीधा खींच देंगे नीचे की तरफ, बिल्कुल सीधा ये इस प्रकार से, ये सीधा हो जाएगा ये। ओके पहली बात, और ये डांट भी है ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी यहाँ पर, यहाँ से इसके बाद ये सीधी हो जाएगी लाइन, ये इस प्रकार से सीधी हो जाएगी बिल्कुल, इसके बिल्कुल यहाँ से सीधी हो जाएगी। देखो लाइन चल रही ना, ये सीधी, हम यहाँ पर क्या है बेल्ट नहीं लगाएंगे तो एक प्रकार से इस लाइन पर बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे, इस प्रकार से होता है ये इसका ये। अब फिलहाल इसको क्या करें आप, इतना बड़ा कपड़ा मत रखो, यहाँ से क्या करो आप, यहाँ से लगभग ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा पर हम सीधा काट कर अनावश्यक पेपर को अलग करते हैं। देखिए उसके बाद इसको क्या करना है मैं आगे बताता हूँ आपको, इसको काट लीजिए और इसको भी आप फिलहाल तो काट लो ऐसे, ऐसे सीधा जहाँ पर लगाया था वहीं पर काट लो,
इसको भी आप ये जो एक्स्ट्रा है उसको यहाँ से काट लेंगे, ये यहाँ से ऐसे काटते हैं, ये भी काट लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें एक गला बनाना है। यहाँ पर गला का मार्किंग कर लिए, नेक का मार्किंग कर लीजिए, लेक लाइन खींच लीजिए। मेरी इंग्लिश बहुत वीक है यार, सीखने की कोशिश करता हूँ। ये इस प्रकार से है, ये हो गया। अब इसको भी आप कट कर लीजिए बिल्कुल। मैं एक चीज अच्छी, मेरे कटिंग में जो प्रिंसेस कट फोर टक्स, इसका आप फैशन डिजाइनिंग अगर आपने किए हैं तो बहुत अच्छे से इसका लाभ उठाया जा सकता है। ये इसको टक्स है, ये टक्स। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ से जो बीचों बीच लाइन आई थी ये, इसको हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया। यहां पर हुआ इस प्रकार से। अब बहुत आराम से बता रहा हूं मित्रों वीडियो, बहुत आराम से इसको देखिए, कोई जल्दी नहीं, आप भी जल्दबाजी मत कीजिए, पूरा देखिए वीडियो। ये 3.5 देखो, सिलाई छोड़कर जब नाप रहे हैं तो 3.5 आ रहा है, ठीक उसका आधा पौने दो। कौन सी लाइन पर है? क्रॉस लाइन पर। ये यहां पर इसको कीजिए ऐसे, बिल्कुल दोनों कपड़ा पकड़ कर मैं एक यहाँ पर टक्स लगा रहा हूँ, ताकि ये हमारे पास एक डॉट होगा, है ना, ओके। और यहाँ पर भी इसको इस प्रकार से देखो, कपड़े में ऐसा छेदने की प्रयास मत करेंगे कपड़े में इसको, लेकिन यहाँ पर एक मार्किंग करके यहाँ पर भी हम इसको यहाँ लगा लेंगे, ये इस प्रकार से। और देखो जो टक्स है, ये टक्स, ये इसको हटाने के बाद इसको सही तरीके से इसको भी खींच लीजिए, ये इस प्रकार से हम इसको खींचते हैं, ये और ये हो गया। अब हमें कितने, एक डांट मिला, दो डांट मिला, तीन डांट मिला, चौथा डांट अभी पाना है हमें, तो क्या करें, यहीं से बिल्कुल यहां पर एक निशान लगाएं इस प्रकार से, और यहां से सीधा ऐसे, कहां पर ये कहां से आया, इसको जब हमने काटे हैं तो यहां से आया। स्टेप बाय स्टेप देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, स्किप कर देख रहे होंगे तो हाथ मिस कर दिए होंगे आपने। इसके बाद इसको हम खींचते हैं, इसको ऐसे यहां से खींचे। अब यहां पर जितना, ये इतना बड़ा डांट है यहां पर, देखो कितने बड़ा बड़ा डांट है, ये लगभग लगभग 1.25 का डांट है, 1.25 का डांट आता है यहां पर, लगभग 1.25 का आना चाहिए, तो 1.25 का डांट यहां पर देंगे इस प्रकार से, ये। और इसको यहीं से इसको ऐसे मोड़ते हैं, देखो बिल्कुल प्रोसेस बता रहा हूं सही तरीके से करने की, आप बाकी कैसे करते हो नहीं, ये देखो ये हमने ये किया। और अब यहां पर देखो, ये देखो जहां पर ये, वहां पर 1.25 होना, एक इंच में, तो 1 इंच आना चाहिए, तो लगभग 1 इंच कर सकते हो, 1 इंच यहां पर, यहां से 1/2 इंच करोगे तो दोनों तरफ 1 इंच हो जाएगा, तो इस प्रकार से। लेकिन यहां पर भी एक डांट लगाने का एक तरीका होता है मित्रों, इसको इस प्रकार से सीधा खींचो पहले, उसके बाद इसको इस प्रकार से थोड़ा सा ये किया जाता है, इस प्रकार से डॉट लगाया जाता है। डॉट लगाने का सही तरीका ये होता है, कभी भी डॉट को तिरछा ऐसे ये, क्योंकि यहाँ से करोगे तो इस प्रकार से सिलाई लगाया जाता है, इस प्रकार से ऐसे सिलाई लगनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, आप इसको अगर ये डॉट हो गई ऑलरेडी, ओके डॉट हो गई ना, डॉट हो गई। अब इसको पीछे पल्ले से मिला दीजिए, आप पीछे पल्ले जब डॉट को ऐसे देखो, डॉट में रख रहा हूँ ना, पूरा डॉट यहाँ पर आ गया, यहां पर रखते हैं पीछे पल्ले को, तो इस प्रकार से मिलाओ, तो आप देखेंगे जितनी दूरी पर यहां पर ये आया है, यहां पर देख, यहां पर मिलना है ना, यहां पर इसको मार्किंग कर लीजिए, ये इस प्रकार से, ये तो ये हमारा यहां तक तैयार। ऐसे खींचो इसको, ऐसे खींचो और इसको बिल्कुल सीधा, यहां से बिल्कुल यहां से सीधा खींच दें, कोई प्रकार से इसमें नहीं, यहां से बिल्कुल सीधा खींच सकते हैं आप, ऐसे खींच दीजिए ये, तो हमारा बेल्ट सहित ब्लाउज, ये बिना बेल्ट की ब्लाउज ये हमारी कट जाती है, ये ऐसे हो गया। और ये यहां से लेकिन थोड़ा ऊपर आप कर सकते हैं थोड़ा सा, ताकि कमर के पास, ये देखो डांट, तो डांट भी देखो, यहां का डांट भी बिल्कुल ऐसी सिलाई लगेगा, ये सिलाई ऐसे यहां तक बिल्कुल सीधी आएगी, फिर इधर से बेंड होगी, आप ये भी ध्यान रखेंगे, अगर ऐसा नहीं करोगे तो यहां पर ढीला हो जाएगा, और यहां पर जब सिलाई लगा लोगे तो यहां पर एक हल्का सा ऐसा टक से दे देना, ताकि ये इधर मूव, ये यहां पर ये मत करे। अब हमें एक ये चौथा टक्स को भी संवारना है, तो इसको भी ऐसे कर दीजिए ये,
और इसको मार्किंग कहाँ पर, देखो सबसे पहले आप क्या करें, ये बीचों बीच आप लगा सकते हैं इसका निशान, बिल्कुल ये दोनों के बीचों में, बीच में लगा दीजिए इसका निशान, और देखो ज़्यादा इजी ये होता है ये। और यहाँ पर देखो इसके ऊपर बिल्कुल, ये देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल यहाँ से बराबर इसके लगभग ये आता है ये। और इस दोनों लाइन को मिलाने के बाद ये टक्स जितना है, ये है, ये दोनों टक्स को आप इस प्रकार से रखें, पहले टक्स लगा लें, ज़्यादा इजी होगा, पहले टक्स लगा लें ताकि आपको टक्स मिलाने में प्रॉब्लम ना हो। ये टक्स मिला लें और दोनों टक्स को आप इस प्रकार से मिला लें, ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा चलेगा ये। अब यहाँ से आप इसको मोड़ेंगे, ये इस प्रकार से इस टक्स को पूरा आएगा, और हल्का से इसको हम गहरा कर देंगे, सामने का पल्ला गहरा। तो इस प्रकार से हमें बिना बेटा की ब्लाउज पूरी हो जाती है। और अभी मैं 2 दिन छुट्टी पर रहूँगा, शादी पे जा रहा हूँ मित्रों, तो मैं अगला वीडियो मैं 7 तारीख से अपलोड करूँगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, नमस्कार।